हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में उसका वचन सीखने के लिए तैयार हैं। प्रभु हर वक्त हमारे लिए नया होता है और वो कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य को परमेश्वर ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। पहले दिन उसने कहा प्रकाश हो जा, बोला तो हो गया। दूसरे दिन उसने कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, भूमि निकल आए, तो हो गया। तब उसने नीचे वाले पानी को समुद्र और ऊपर वाले पानी को बोल दिया आकाश। फिर उसने हरियाली बना दिया, जीव जंतु बना दिया, तो ऐसा हो गया। फिर उसने चांद और सितारे बना दिए। उसने कहा इतनी बड़ी आकाश गंगा बन गई। फिर उसने हरियाली और चांद सितारा बनाने के बाद में कुत्ता बिल्ली गाय गधा घोड़ा सब बना दिया। बनाया वो, नाम रखा आदम, कोई कम बात है। परंतु छठवें दिन प्रभु ने बोला नहीं, कुछ काम किया। क्या किया उसने? उसने छठवें दिन अपनी आत्मा के ऐसे करके तिनके को निकाला, छोड़ा, नीचे गिरा, तो वो मेरा अस्तित्व होगा, पर मैं अपने में से एक आत्मा की तिनके को निकाल करके अपने परिचय से अलग परिचय देके बोलता हूँ, ये कविता है, ये बबीता है, ये सरिता है, ये रमेश है, ये श्यामू है। ऐसा करके जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने अपनी आत्मा के एक एक तिनके को ऐसा ऐसा निकाल निकाल के पहले मानव से लेकर धरती में आखिरी देह में पैदा होने वाले मानव की आत्मा को अपने में से अलग करके पहले ही रख दिया। और वो कब शरीर पहनेगा और उसकी मरण डेट कब होगी वो भी टैग लगा के छोड़ दिया। उसने कुछ किया है, बोला नहीं। इसलिए छठवें दिन हम बड़ी फुर्सत से बनाए गए। इसका मतलब है पांच दिन जो कुछ भी उसने बनाया है, छठवें दिन में बनाई जाने वाली सृष्टि को भोग लगाने के लिए, अर्थात पहले दिन से लेकर के पांचवें दिन तक जो भी रचनाएं रची गई हैं वह छठवें दिन के बनाए जाने वाले मानव को सुविधा प्रदान करने के लिए होती हैं। ये चांद सितारे होना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने चांद सितारा नहीं बनाया, परंतु इसलिए कि पृथ्वी में मनुष्य को रहने लायक परिस्थिति पैदा करने के लिए प्रकाश, पानी, भाप, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, परिंदे, आकाश गंगा के चांद सितारे, सूरज पृथ्वी को घुमाया, सूरज जलते जलते बुझ नहीं गया, पृथ्वी घूमते घूमते तुम्हारी ट्रेन लेट हो जावे, हमारी धरती यदि 2-3 मिनट लेट हो गई ना तो पूरा साइंस मुँह के बल गिर जाएगा। इतना सटीक उसने हमारे तुम्हारे लिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी के अंदर में जिंदा रखे। और फिर उस मनुष्य को बोला फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने अधिकार में ले लो। तो आजकल हम इस सृष्टि को अधिकार में लेने के बजाय वो हमको अधिकार ले लेती है। परेशान हो गए, दिमाग खराब हो गया, गर्मी, भयंकर गर्मी, ठीक है कि नहीं? हमें उसको परेशान करना चाहिए तो वो हमें परेशान कर रही है। ये सृष्टि से हम परेशान होने नहीं हुए पैदा, हम सृष्टि को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। एक्चुअली हमें सताना चाहिए शैतान को, तो वो हमको सताता है। नहीं समझे बात?
छठवें दिन में प्रभु ने जो आशीष दी थी, फूलों फलों और पृथ्वी भर में समा जाओ, और नहीं पढ़ ही लो ना, नहीं तो आपको लगेगा ये फेकोलॉजी है। उत्पत्ति की किताब और उसका है कि नहीं, दूसरा अध्याय, एक मिनट ठहरिए, हाँ तीसरा अध्याय, नहीं 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 दूसरे अध्याय में है। सो वहाँ लिखा है पहले अध्याय में 28 पद में, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसको? सृष्टि को। इसीलिए उसने इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया है। पैदा करने के टाइम पर ना उसकी कल्पना यही थी कि हम इस सृष्टि को, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, जो हमारी ज़रूरत है, हम चांद सितारे पर ना जाएं, कम से कम रोटी कपड़ा मकान में तो जा ही सकते हैं, ठीक है ना। कई बार तो हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम क्या आसमान के परिंदों को कंट्रोल करोगे, ठीक है कि नहीं। चलो छोड़ो, वो तो पराई है या हम अलग अलग हैं। कई बार हमारी जीभ हमारे कब्जे में नहीं रहती है, क्या बताएं जी, मुंह से निकल ही गया, चमड़े की जो है ना, ना 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 चमड़े की है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग आदेश देगा तभी ना निकलेगा मुँह से। नहीं, ये दिमाग में आई गई बात, कैसे आई गई, तुमने दरवाज़ा खोला होगा तभी ना आएगी। ज़बरदस्ती क्या दरवाज़ा तोड़ के आ गई? रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास में तो चैनल क्या दूसरा बदलेगा, नहीं ना। इसी तरीके से ये कल्पना के स्वामी तो हम ही ना हैं, वो आ कैसे गई तुम्हारी परमिशन बिना? हमारा हुआ जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें विजय होने के लिए बोला है। ही इज़ द कॉन्करर बट वी आर द मोर देन कॉन्करर। हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। हमें इस सृष्टि में जहाँ तक हमारा अधिकार चलता है उसको अपने अधिकार में ले लेना है। ऐसे बोल कर के पहले मनुष्य को पैदा करने के टाइम पर परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना किया था। हाँ, और यदि उसकी कल्पना हमें समझ में नहीं आई तो समस्या है। सब बातों को परमेश्वर ने कहा और हो गया, पर हम ऐसा नहीं हैं कि उसने कहा और हम हो गए। उसने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, उसने अपने प्राण में से प्राण अलग किया, और फिर उसके रहने के लिए मट्टी खोद करके, पानी डाल करके, जैसा आप रोटी बेलते ना, आटा गूंथते ना, वैसे मट्टी सान करके उसने इस खूबसूरत शरीर बनाया। पता नहीं नाक की हड्डी, नाक की मट्टी कहाँ से लाई जो हड्डी दायां बायां होती है। यदि ऐसी वाली हड्डी हमारे घुटने की होती तो हम तो ऐसे ऐसे चलते। समझ में आ गई? तो ये हमारे हमारे हमारी कमर की हड्डी कहाँ थी, कमर की मट्टी कहाँ की आई, पसली की मट्टी कहाँ से आई, दिल की मट्टी कहाँ से आई, नाक की मट्टी कहाँ से आई, नाक आँख की मट्टी कहाँ से आई, बेचारी को ढाँक करके रखना पड़ता है, धूला जाए तो तकलीफ हो जाए। मट्टी मट्टी में भी फर्क है। यदि आदम की सृष्टि के बारे में हम देखें तो कई महीने लग जाएंगे, विश्व की किसी थियोलॉजी की किताब में ये न मिलेगा जो परमेश्वर के दिल में पाया जाता है। खैर छोड़ो बातें आगे। सो परमेश्वर ने हमको बड़ा खूबसूरत बनाया है, ठीक है, बोलिए। मैं सारी सृष्टि में सबसे बहुमूल्य रचना हूँ। हाँ, इसलिए इसको कुछ भी खिला पिला के खराब मत करना, ठीक है कि नहीं। ये बड़ी अनमोल सृष्टि है जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। आपको मालूम है ये मनुष्य दो दुनिया का दो दुनिया से मिलकर के बना हुआ है। ये जो संसार, ये मनुष्य जो है दो दुनिया से मिलकर बना है। हम दो दुनिया के संगम हैं, एक है भौतिक दुनिया और दूसरा है आत्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया से शरीर आता है जिसको माँ जन्माती है, जिसे खिलाना पिलाना पहनाना पड़ता है। एक और दुनिया है जो इस भौतिक दुनिया के अंदर रहती है, उसे आत्मिक दुनिया कहते हैं, और वो है आत्मा। और आत्मा आती है परमात्मा से,
और शरीर आता है मट्टी से, स्वर्ग और पृथ्वी का मेल है मानव। मनुष्य दो दुनिया के हस्तक्षेप से बनता है। शरीर को माँ जन्माती है, हम उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, डेंटिंग और पेंटिंग और फेयर एंड लवली से चमड़े का कलर बदलते हैं, है ना। मोटे हो गए तो दौड़ दौड़ के दुबले होते हैं, दुबले हो गए तो खा खा के मोटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ना खुश हैं। दो लोग दौड़ रहे हैं रोड के किनारे, एक बहुत मोटा, तो उससे पूछे, ए बाबू तू क्यों दौड़ रहा? बोले दुबला होना चाहता हूँ। अब उसी के बाजू में एक बिल्कुल टिड्डी मर्चेंट दौड़ रहा, अब तुझको क्या हो गया? बोले मैं मोटा होना चाहता हूँ। इसका मतलब मोटा वाला मोटापे में खुश नहीं, दुबला वाला दुबलापे में खुश नहीं, वो पतला होना चाहता है, हम मोटा होना चाहते हैं। पता नहीं दोनों की दोनों अनसेटिस्फाइड हैं। हम तो खुद ही से परेशान हैं, क्या दूसरों को करेंगे। समझ में आ गई बात? आपको मालूम है ये हारा वाला जीवन हमको ऐसे क्यों लगता है? आए दिन प्रार्थना, जी पास्टर जी बेटा बिगड़ गया, पास्टर जी हमका बिगड़ गया, पत्नी के लिए दुआ करना, पति के लिए दुआ करना। कलीसिया बेचारी शरीर के दुखों से इतनी परेशान है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक रोटी कपड़ा मकान बीबी टीवी कल आज इसके उसके लिए प्रार्थना करके 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 परमेश्वर को इतना सताते हैं कि उसका भी सिर दुख जाता है। पर आज हम आपको कुछ ऐसा इलाज बताएंगे कि हम परमेश्वर को टेंशन फ्री कर दें अपने मामले में, उसको ज्यादा टेंशन मत दीवे, ठीक है कि नहीं। कब तक भूत भगाइएगा? इधर से भगाए तो वहां से आता, इधर से भगाए तो इधर से आता, चारों तरफ लव यू करते रहता है। हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा को बेचारा विजिट करके हमको हफ्ते भर की ड्यूटी दे देता है दुआ करने की। समझ रहे हैं बात? हमें मालूम है आप लोग नए लोग हो, परंतु हम एक ऐसी चाबी देना चाहते हैं जिससे कि हमारा सिर दर्द कम करो तुम और अपना दर्द खुद ही झेलना शुरू करो। जरा सा पेट दर्द, रात को 11 बजे अंकल पेट दर्द कर रहा है, ठीक है कि नहीं। कब तक हम परमेश्वर से कहते रहेंगे कि हे प्रभु हमें ये दे दे? आपको मालूम है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यदि चलिए परमेश्वर हमें सत्य के जानकारों को स्वतंत्रता की चाबी दे देता है। यदि हमें स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। और हम तो केवल यीशु को बोलते हैं कि यीशु सत्य है, यीशु सत्य है। मैं भी बोलता हूँ यीशु सत्य है, परंतु हम केवल यीशु की सत्यता को जानने से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। सत्य 3 प्रकार के हैं। पहला सत्य परमेश्वर में है कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वो पापी है। अब पवित्र और पापी का संबंध होना चाहिएगा, ये सब भैया बता रहे थे, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप रहा पवित्र और बेटे रहे बिल्कुल बड़ी मास्टर, तमाकू मास्टर, और मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। ऐसे समय में प्रभु कहते हैं, अरे वोडाफोन लगते लगते आइडिया कहाँ से लग गया? हम प्रभु को कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर जांग में कुर्र कुर्र की आवाज़ आती है। अच्छा हुआ दीदी ने बोल दी थी साइलेंट। हम तो कहते हैं साइलेंट नहीं, टोटल टर्न ऑफ करो। कई लोग साइलेंट जरूर कर लेते हैं, परंतु वाइब्रेशन में सामने वाला तकलीफ देता है ना। समझ में आ गई बात? ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में जब अपन गए ना, तो टेंशन फ्री होके आने का और बार 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 उठ के बाहर जाने का नहीं, फुर्सत से आने का। तब ना परमेश्वर के साथ नेटवर्किंग जुड़ेगा। आपको मालूम होवे वो पवित्र है, इस सत्य को जानो। हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं ये जानो, ये दूसरा सत्य है। जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता है। आज तुमको पगार मिली है, चलो हॉस्पिटल में सो के आएंगे, हैं? आज हमको पगार मिली है, हॉस्पिटल में सोने जाएंगे,
हाँ, जब हमारे पास में शरीर काम करने से नाना बोल देता है तभी ना हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले, क्या बीमारी आ गई है? कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूँ, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को क्या हो? अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा, कि कमर दुख रहा, कि सिर दुख रहा, कि चक्कर आ रहा, कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे, ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तू दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो, वे पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने आता, हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना, तीसरा सत्य हमको खोजने आया है। और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ़ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले, मोक्ष बड़ी कठिन चीज़ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मोक्ष इतनी कठिन चीज़ है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूँगा और गड्ढे में भरूँगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या, और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से? जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है, बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। पर हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है, हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians 15:19 है, यहाँ लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्य, तो हम
सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे, अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक। क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की ज़रूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। यह जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है यह? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा, इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ है एक और जिंदगी है जो मृत्यु के बाद लागू होती है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल की है। ये जिंदगी 70 साल की है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। इंसान 70 साल की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान चंगाई छुटकारा आशीर्वाद घर कार बंगला बीबी टीवी पता नहीं क्या क्या खोजता बेचारा, और बूढ़ा होकर के सब छोड़ के पैदल चला जाता, चड्डी बनियान भी साथ नहीं ले जाता। कमाए थे हमने क्या नहीं किया, जिंदगी बचपना खेल खेल करके खो दिया, जवानी नींद भर सोया, और अधेड़ उम्र बाल बच्चों के लिए पैसा कमा कमा के पेंसिल समान जिंदगी घस दी, और जब बुढ़ापा आया तो हड्डियां म्यूजिक बजाने लगी, अब पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर जो रोना शुरू हुआ, फिर हम बाजार जाते हैं और खंजरी उठा लाते हैं और बुढ़ापे में खंजरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो नाती पोते बोलते हैं दादा जवानी में गाना नहीं गाए, आजकल तुमको बड़ा गाने का शौक हो गया। तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा धरती बहुत भोग लिया, अब ऊपर भी तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना। आपको ये ख्याल कब आया था? जब एक पैर कब्रस्तान में है, जब डॉक्टर बोलता है थोड़े से दिन बचे हैं, तब भगवान के दरबार में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान ने पेंसिल सामान घस दी और मरने के करीब करीब खंजरी उठा करके भगवान की भक्ति करता है। लोग बुढ़ापे में बपतिस्मा लेते हैं जब मालूम हो गया कि लाइन क्लियर हो गया है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को तो अभागा ही ना बोला है। तुम्हें बिल्कुल आखिरी में याद आती है कि एक और जिंदगी है। अभी तक हमको जब तक नाती नतरे नहीं हुए थे ना, तब तक हमको लगता था जिंदगी यही है। शादी तो कर दी बेटे की, बेटा जल्दी से पोता दिखा दे।
अब जैसे तैसे पोता तो दादा क्या बोलता, वाह मजा आ गई 50% काम ओवर। फिर वो बोलता है मुझे बेटा एक पोती भी दिखा दे, बोले तो पोती भी आ गई। तो फिर बुढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, हे प्रभु अब सब देख लिया, तू तो अब अपने पास बुला ले। तो प्रभु कहते हैं यही देखने पैदा हुआ था क्या? समझ में आ गया, पोता पोती देख के पैदा हुआ था, पोता पोती देखने पैदा हुआ था क्या? ऐसे लोगों को तो बाइबल में लिखा अभागा, मतलब किस्मत फूटी पोता देखने वाले की। हमें मालूम ही नहीं हम पैदा किए बात के लिए हो गए। मेरा परमेश्वर हमको इस धरती के अंदर छठवें दिन बड़ी फुर्सत से इसलिए थोड़ी बनाया था कि पोता पोती देख के मर पड़ो तुम। चंगाई के ड्रम बजा रहे, आशीर्वाद का, नौकरी और चाकरी का। ठीक है ये 70 बरस की जिंदगी में काम आता है, परंतु एक और जीवन है उसके बारे में भी तो चिंता करो। मृत्यु के बाद वाले जीवन की भी तो चिंता कीजिएगा, और जिस समय मृत्यु के बाद वाले जीवन की चिंता में सफल हो गए ना, तो ये वाली चिंता के जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं बिना भगाए भाग लेंगे। जो अपनी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर क्या बात के लिए धरती पर पैदा किया, हम कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर लें, यदि हम इसमें सफल हो गए तो जितनी भी असफलता हमारे शारीरिक जीवन में है, चाहे बीमारी से जुड़ी हो, चाहे परिवार से जुड़ी हो, चाहे धन व्यापार से जुड़ी हो, चाहे नींद नहीं आने वाली समस्या हो, चाहे ये समस्या हो वो समस्या हो, सारी समस्या जड़ पीड़ से उखड़ जाएगी। जड़ पीड़ से उखड़ जाएगी। इसलिए हम क्या, हम कहीं ना कहीं वो बात में वहाँ हम पहुँच जाएं जिसके जहाँ पहुँचने के बाद ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। समझ में आ गई। यीशु कहते हैं हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मतलब बोझ हमारे पास है। फिर प्रभु ये भी कहते हैं मेरा बोझ उठा लो। बताइए, बोझ से दबे लोगों को बुलाने वाला बोलता मेरा बोझ उठा लो, हे प्रभु हमारा ही बहुत है, तुम्हारा कहाँ झेलेंगे। बात एक ही है, तुम बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। फिर प्रभु जी कहते हैं मेरा बोझ उठा लो, हे प्रभु तुम हमारा वाला ले लेना चाहते, तुम तो और हमें सिर में डाल रहे हो। बोले मेरा बोझ हल्का है क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। जिस समय मेरी नम्रता और दीनता को पहचान जाओगे ना, तो तुम्हारा बोझ आपसे आप मेरे किए भी ना हल्का हो जाएगा। हम अपने बोझ उतरवाने के चक्कर में उसका लेते ही नहीं, जिसने उसका बोझ ले लिया तुम्हारा आपसे आप हल्का हो जाएगा। समझ में आए, परमेश्वर की बिल्कुल उल्टी गणित है। हम 1, 2, 3 करते हैं, वो 99, 98, 95 करता है। वो हमको बुलाता है कि बोझ ले लो, तुम्हारा बोझ लाओ। प्रभु कहते हैं मेरा उठा लो, और जिसने मेरा उठाना सीख लिया तुम्हारा आपसे आप भाग निकलेगा। इसलिए आजकल मैं प्रभु मेरे को पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे, ये प्रार्थना की गलती नहीं करता मैं। मेरे को चंगाई दे दे, चंगाई दे दे, चंगाई दे दे, ऐसा नए लोग करते हैं बेचारे जो बीमार हैं। परंतु अब 17 साल हो गए KG1 ही अटेंड कर रहे हो तुम, तो दूसरी क्लास में कौन जाएगा। समझ में आ गई। जो बिल्कुल नए नए हैं उनके लिए अपन लोग प्रार्थना करें। आपको मालूम है प्रभु नए लोगों को चंगाई दे जाता है, और जब वो विश्वासी बनते हैं तो उनको चंगाई देना बंद कर देता है। हे प्रभु नए को चंगाई देता, विश्वासी बनने की बात नहीं देता। हाँ मैं अपने तरफ से नए लोगों को चंगाई देता हूँ, और जब वे विश्वास में आ जाते हैं तो अपने तरफ से चंगाई देना बंद कर देता हूँ। तुम खुद विश्वास से चंगे होना सीख जाओ, ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम प्रभु के सिर में कब तक गिरेंगे, कब पैर के ऊपर चलेंगे। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए प्रभु कहते हैं मेरा बोझ उठा लो, मेरा बोझ उठाए तो तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और जो बोझ मैंने तुमको दिया, जो तुम्हारे पास बोझ है ना, वही बोझ है जो तुमको मेरा बोझ उठाने की प्रेरणा देता है।
अब एक बात बताइए, आदमी हॉस्पिटल कब जाता है? जी बोलिएगा, हॉस्पिटल कब जाता है? जब बीमार होगा तभी ना जाएगा, है कि नहीं? हम प्रभु के पास कब आते हैं? जब तक डॉक्टर के पास में गए तो ये इलाज वो इलाज, ये डॉक्टर ये तपास वो तपास, सब कुछ करते 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 थक जाते, फिर डॉक्टर साहब कहते अब तो ऊपर देखो तुम, तो हम पंखा देखते हैं, तो डॉक्टर बोलता पंखा नहीं इसके भी ऊपर देख, तो अगली मंजिल में कौन रहता है उसको देखते? अरे वो भी नहीं रे बाबा, अपने इष्ट को देख, तब हमारा फ़ोन नंबर ढूंढते हो तुम। जब डॉक्टर दे बोलते हैं 5 दिन बचे, फिर देखना नरक की किताब से भी ना भगवान का एड्रेस मिल जाता है, समझ में आ गई? तो तुम उसके पीछे लगे कब थे? हैं? अपन कब प्रभु को ढूंढते हैं? जब दुनिया हमारी मदद करना बंद कर देती है तब हम प्रभु के दरबार में आते हैं। हम केरल जाते हैं कई बार, बहुत सुप्रसिद्ध प्रचारक हैं, और वहाँ कहीं भी सीधी रोड नहीं है, बस ऐसी 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 चलती है, और आपको मालूम होवे कई बार हमको बहुत कम समय रहता है तो बड़ी तेज़ी से चला के बोले आते हैं। तो एक जगह है, ड्राइवर ने ऐसा देखा नहीं कि ब्रेकर है, और हुई करके, और उतने में ब्रेकर में बहुत जोर से गाड़ी धुड़ुम 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 धुड़ुम, तो हमारे साथ जो 2-3 लोग थे ना सब जोर से चिल्लाए स्तोत्रम स्तोत्रम कर्तावे स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। जब तक गाड़ी बराबर चल रही थी किसी ने हालेलुया नहीं बोला, और ब्रेकर आते बराबर स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हमने कहा है आइडिया, हे प्रभु हर 5 मिनट में इनको झटका लगे ना, ये तो 24 घंटा पुकारेंगे। समझ में आ गई बात? तो हम मुसीबत में ही ना प्रभु को पुकारते हैं। तो कई बार हमारे पास में जो समस्या है ना, हमको प्रभु के पास खींचने का आइडिया है परमेश्वर का, और तुमको तो भला चंगा कर दे तो तुम तो प्रभु को पिचिक करके थूक दो, इसलिए तो कई बार वो भर्ती करवा देता है हमको कि कम से कम वक्त वक्त में हॉस्पिटल गया तो याद तो करेगा मेरे को, नहीं तो आज पगार मिली तुम तो मॉल की याद करते हो, मुझे थोड़ी ना याद करते हैं। इसलिए गाड़ी को झटका मिलना जरूरी रहता है जिससे कि प्रभु से अपना रिश्ता जुड़ा रहे। हम तो कहते हैं तुम्हारे घर में ना हर हफ्ते भूत आए तो तुम रेगुलर रहोगे चर्च में। हालेलुया। एक बार की बात है, हम झांसी में गए साहब, एक झांसी में एक आंटी जी बोलने लगी पास्टर जी चाय में आना, नाश्ते में आना, लंच में आना, अमके में आना, ढमकी में आना। बड़े परेशान थे वो हमको अपने घर बुलाने के लिए, और जनरली जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर हम प्रभु के चरणों में ठहरे तो ज़्यादा मसाला लेके ना आएंगे तुम्हारे लिए, आपका खाना खाएं तो उत्तर प्रदेश खाली हो जाता है, क्योंकि इधर भरा तो इधर गायब, इधर रहेगा खाली है ना, इधर खाली रहेगा तो इधर पावर रहता है, इसलिए खाना पीना ज़्यादा हम पसंद नहीं करते। परंतु ये आंटी लगी हाथ धो के, पास्टर साहब मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। हमने कहा ये नहीं मानने वाली हैं, ठीक है शाम को चाय के लिए आएंगे हम। आ गए साहब, उन्होंने चाय नाश्ता ये वो रखा और एक कहानी बताना शुरू किया। पादरी साहब मैं रात को सोती हूँ, बच्चे उनके कहीं नौकरी में चले गए, पति नहीं है। जब मैं रात को सोती हूँ तो रात को कोई आता है और मेरी टीवी ऑन कर देता है, हरी फिर नल खोल देता है, ओहो फिर प्लेट ऐसी ऐसी आती है और मेरे नाक के पीछे से जा कर के फिर वहाँ गिर जाती है। मैं बोले ये तो बड़ा ही प्रकार का भूत है। और झांसी की रानी ने कितने लोगों को वहाँ कत्ल की थी, वहाँ तो भूत ही भूत है झांसी में, सीपरी मिशन कंपाउंड में तो चलते फिरते देखते हैं, और वहाँ तो लोगों की आदत है इनकाउंटर होने की भूतों की, उनको डर भी नहीं लगता, आया है जाने दे। और वहाँ के भूत कई बार ना प्रार्थना करने जाओ तो ऐसा जुड़ के जूता उड़ के आता है और प्रार्थना करने वाले के गाल में ऐसा पड़ता है और नीचे गिर जाता है, उसकी प्रार्थना डिस्टर्ब हो जाती है। तुम में से कोई प्रार्थना योद्धा है तो झांसी जाके प्रार्थना करो तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे पास पावर कितना है, ठीक है कि नहीं। अब ये मैडम हमको बुलाई वहाँ पर, उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई, पादरी साहब एक दिन की बात है, मैं अपने बेडरूम में रहती हूँ ना, वहाँ मैंने कारपेट डाल रखा है और बाइबल सिराने में रखी रहती हूँ,
और मैं वहीं बैठ के प्रार्थना करती हूँ, और मैं दोपहर में सब्जी लेने गई और जब वापस लौट करके देखी, ताला लगा के गई और खोल करके देखा, एक काला काला आदमी घुटने टेक करके ना मेरी कारपेट में मेरी बाइबिल सिराने से उठा लिया और घुटने टेक के ऐसा बाइबिल पढ़ रहा है। मैं बोला हाय रे, मेरी बाइबिल शैतान ने छू लिया और घुटने टेक के बाइबिल पढ़ रहा है। तो मैंने बोला मैडम तुम बाइबिल कैसे पढ़ती है ये बताइए। बोले घुटने में दर्द इसलिए पैर फैला के करती हूँ, उससे तमीज सीखो भूतों से, घुटने टेक के बाइबिल पढ़ रहे हैं। समझ में आ गई। हमने कहा कितना अच्छा टीचर तुम्हारे घर में आता है, जबरदस्ती निकलवाना चाहती हो तुम। फिर मैंने बोला हे प्रभु ये भूत तो प्रभु दया करो दया करो दया करो, बाहर भी नहीं जा सकती थी क्या करूं। इतने में मैं प्रार्थना कर ही रही थी, एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, ऐसी तलवार निकाला और वो काले कपड़े पहने वाला आदमी मेरी बाइबिल कारपेट में छोड़ के ऐसा भागा और मैं दरवाजे में खड़ी थी, यूं धक्का दे करके सीधे निकल गया। मैं बोला मैडम कितना अच्छा है, अब आप बताइए उसके चक्कर में दूध तो आए थे, हम तो इतने दिन से उपवास करते हमको दूध दिखता ही नहीं, तेरे को तो भूत के चक्कर में दूध दिख गया तो भगाती क्यों है। ओ माय गॉड, कई बार प्रभु अपनी महिमा दिखाने के लिए ना भूतों को आने भी देता है, तो उनसे टेंशन क्यों लेती हो। मेरे प्रियो कई बार हमारी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियां हमें प्रभु के पास खींच के लाती हैं, पर हमें समझना चाहिए ना आखिरकार ये बीमारियां ये तकलीफें ये निराशाएं हमको कहाँ ले जा रही हैं। ये सब बातें हमें कहीं ना कहीं प्रभु के करीब लाती हैं, जहां हम उसको पहचानें और वहां पहुंच जाएं जहां प्रभु हमको पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए बाइबिल का परमेश्वर कहता है यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से आशा रखता है तो वह अभागा है। इसका मतलब प्रभु कहते हैं तुम्हें इस जीवन के साथ साथ है उस जीवन की भी चिंता करना चाहिए जो मृत्यु के बाद हमारे जीवन में लागू होती है। पिन पॉइंट। अब उस जीवन का मतलब क्या है? एक और जीवन है और वो है अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की थी तो मत्ती की किताब उसका चौथा अध्याय और उसके 27 पद में बाइबिल हमें 17 पद में हमें बताती है उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बोलिए स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ कौन सा राज्य है? स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग का राज्य क्या चीज है? अब स्वर्ग शब्द बोलिए स्वर्ग 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 है, जोर से बोलो ना। ओके ठीक है। अब हम यहाँ आए और ये दीदी जो लीड कर रही थी उन्होंने हमारा परिचय दिया। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश से परमेश्वर के महान दास आए हैं, यहाँ तक तो ठीक है, और उनका नाम है स्वर्गीय आमोस सिंह जी। तो मैं बोलूँगा ये डिग्री तुमने लाए कहाँ से? नहीं सुने आप, फिर से सुना। जाग रहे हैं आप? नहीं जाग रहे हैं आप? हमें परिचय दे रहे हैं स्वर्गीय आमोस सिंह जी जब आएंगे तो आप ताली बजाइएगा। नहीं समझे? तो स्वर्गीय शब्द किसके ऊपर लगाते हैं? तुमने तो जिंदे पर ठोंक दिया। तो दोबारा मैं आऊंगा क्या? मैं कहूंगा प्लीज स्वर्गीय मरने के बाद लगाना, अभी मैं जिंदा हूं, ठीक है कि नहीं? तो स्वर्ग शब्द जो है कब लागू होता है? थोड़ा लगाओ ना दिमाग। स्वर्ग शब्द कब लागू होता है? स्वर्ग शब्द मृत्यु के बाद लागू होता है।
हाँ, और प्रभु ने जो संदेश सुनाया था उसने स्वर्ग का राज्य आ गया है, इसका मतलब है मृत्यु के बाद वाली कहानी से उसने अपना संदेश शुरू किया था। कान खोल के सुनिएगा। एक्चुअली जो बाइबल है, प्रभु जो है तुम्हें चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद देने के द्वारा हमारा ध्यान उस वाले जीवन की ओर इकट्ठा करता है जो अनंतकालिक है, जिसको स्वर्गीय बोलते हैं। स्वर्गीय बोले तो अनंतकालिक जीवन, और अनंतकालिक जीवन के लिए प्रभु का सुसमाचार है कि मन फिराओ। जी हाँ, मन फिराओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी मरा तो स्वर्ग पहुंच गया। हम तो ऐसा ही करते हैं, जो भी मरा उसके नाम के आगे लगाया स्वर्ग, है ना, फोटो निकाले पुरानी वाली और मार दिए तिलक माथे में और लगा दिए हार और लिख दिए स्वर्गीय फलाना फलाना, तारीख पैदा होने की और मरने की दोनों, जिससे कि एक ही बार में तुमको समझ आ जावे। समझ ये पैदा कब हुए थे, मरे कब, यदि फोटो के ऊपर हार और तिलक है इसका मतलब गए। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर्गीय। इसका मतलब प्रभु जो बोला स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो कौन सी वाली कथा की कहानी शुरू होने वाली है यहाँ पर, मृत्यु के बाद वाली। हाँ, इसी के बारे हम नहीं सोचते, और इसलिए भूत जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिसके लिए मुसीबतें आई हैं उसका कारण जानने के लिए यदि हम नहीं पहचाने तो ये भूत लोग ऐसे ही विजिट करते रहेंगे, एक कोरोना के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अभी पति ठीक हो गया तो बेटा परेशान करेगा, बेटा ठीक हो गई तो बिटिया परेशान करेगी, और जब दूसरों से परेशान होते होते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हम खुद के कमर दर्द से परेशान हो जाएंगे। ये परेशानी जाने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि वे सब हमको अपनी परमेश्वर की ओर खोज खींच रहे हैं, जिससे कि तुम सही इलाज पा सको, और सही इलाज है इस जीवन की चिंताओं के लिए। हमें उस जीवन की चिंता को यदि हमने करना शुरू कर दिया तो उस जीवन की चिंता के चक्कर में ये वाली जीवन की चिंता आपसे आप भाग निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आगे बात। एक स्कूल था, क्योंकि बहुत से नए लोग हैं, एक स्कूल था और स्कूल के सामने खोमचे वाले चॉकलेट बेचते हैं, कुछ कुछ बेचते हैं ना, रिसेस में जाते हैं बच्चे लोग, 10 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये की चीज़ खरीदते हैं। तो जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है बच्चे दौड़ते 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 चले गए, और सब कौन आगे जाएगा लाल चॉकलेट लेने, पर वो ठेले के पास पहुंच गए बोल के कोई नहीं देख रहा है, एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, और इतनी स्पीड में गए कि वो ठेले के ऊपर गिर पड़े, उसकी पूरी चॉकलेट की बर्नी नीचे गिरा दी, और जब चॉकलेट पूरी रोड में बिखर गई तो चॉकलेट बेचने वाले को देख के सारे बच्चे डर गए। तो उसने बड़ी आंख निकाल के कहा, तुम लोगों ने ये सारी चॉकलेट्स गिराई है, सब लोग ये चॉकलेट उठा उठा के अपनी अपनी अलग अलग रंग की बर्नी, अलग अलग रंग की चॉकलेट अलग अलग बर्नी में भर के दो, नहीं तो देखो। हाँ, बच्चे डर गए, लगे बेचारे बटोरने के लिए, ठीक है कि नहीं, बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, और सारी चॉकलेट उन्हीं बच्चों ने बटोर के बर्नी में जमा कर दिया, ठीक है ना। तब वो चॉकलेट बेचने वाला क्या बोलता है, सुनो तुमने मेरी मदद की है, स्माइलिंग फेस से देखा तो बच्चे लोगों को थोड़ी शांति मिली, अब अंकल डांटेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला सब लोग अपना अपना हाथ एक एक बर्नी में डालो, और जिसके हाथ में जितनी चॉकलेट आ जाए तुम्हारी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। एक सबसे बड़ा लड़का ने ऐसे डाला तो 5 चॉकलेट आई, उंगली लंबी थी ना। फिर दूसरे ने डाला तो उसकी बोटरी उंगली थी, उसकी 3 ही चॉकलेट आई, तीसरे की 2 आई। तब सबसे छोटी उंगली वाला बोला अब तो मेरी 1 ही निकलेगी, और उसकी 5 निकली, जबकि बटोरे हमने सबने एक साथ थे। तो वो आइडिया लगाने लगा,
तो वो खोमचा वाला कहता है एक काम करो, ए रामू तुम भी हाथ डालो, तुम भी हाथ डालो, जितना डाल सकते हो उतना डालो, जितना पकड़ सकते हो पकड़ लो। तो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला, अंकल अंकल आप अपना हाथ डाल के निकालो ना और मेरे को दे दो। समझ रहे हैं बात को? हम निकाले तो तीन आएंगी, दो आएंगी, एक आएंगी, पांच आएंगी, और अंकल डालेंगे तो कब तक अपना हाथ डालोगे भरनी में? उसको डलवाओ ना। और जब वो डालता है ना तो दो चार नहीं पकड़ता, पूरी भरनी निकाल लेता है अंदर से। कई बार हम अपनी उंगली, अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने छुटकारे का उपाय करने के लिए हम प्रभु के पास आते, परंतु जब वो उपाय हमारे लिए किया ना तो उसकी उंगलियां इतनी बड़ी हैं कि वह एक नहीं 20-25 एक साथ निकाल के दे देगा। काश हम उस पर उसके हाथ से अपनी जिंदगी में काम कराने की बात करें। मेरे प्रियो, बाइबिल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की समस्या को सुलझाते सुलझाते हम थक जाएंगे, परंतु यदि हमने उस जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया तो बाइबिल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की समस्या हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। जी हाँ, मृत्यु के बाद वाला जीवन, जल्दी से बोल करके। हमारा समय कितने बजे तक है सर? 1 बजे तक, अभी हमें हमारे पास टाइम है, ठीक 1 बजे तक खत्म कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए प्रभु अपने उपाय में उसके हिसाब से यदि हमने उसकी इच्छा के अनुसार खोजबीन शुरू की तो हमारी समस्या का समाधान तय है। ठीक है, आपको मालूम हो हम उस जीवन अर्थात मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी यीशु बताते हैं। आपको मालूम है हर एक व्यक्ति के मरने के बाद हम स्वर्गीय लगा देते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चला कि वो स्वर्ग गया? वो पीपल के पेड़ में बैठा होगा तो हमको पहले ही मालूम है ऊपर नहीं गया, पर क्या करें, इसलिए 3 दिन के बाद में 3रा और 13 दिन के बाद में 13वीं और 40 दिन के बाद में 40वां त्योहार मना करके दो दो बोरा चावल गांव के लोगों को खिलाते हैं। क्यों भाई? 3, 13, 40 बोलिएगा। बोलिए ना, 3रा, 13वीं, 40वां। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? एक बोरा चावल, 2 किलो, दो बोरे भट्टे की सब्जी बिना करके खिला दी हमने, ऐसा क्यों? उद्देश्य ये है कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। हाँ, तो हमको पहले ही मालूम है वो शांति नहीं है उसके पास, इसलिए मनी ऑर्डर कर रहे हैं हम भात खिला के, ठीक है कि नहीं? इसलिए कब्रस्थान में उसके लिए ऐसा एक मढ़िया बना देते हैं, छोटा सा घर जैसा, और कहते हैं दादा यहीं रहा करे, अब तो हमको रहने दो वहाँ। और 3रा और 13वीं और 40वां में प्रार्थना, दुआ, नमाज, पूजा पाठ सब धर्म के लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। 3रे की मीटिंग करते हैं, शोक सभा बोलते हैं उसको, कंडोलेंस मीटिंग। ये काय का कंडोलेंस कर रहे हो तुम? नहीं बोले शांति, क्योंकि रात को आते होंगे उड़ी का कट्टा लेने के लिए, इसलिए उनका इंतजाम पूजा पाठ प्रार्थना दुआ नमाज से कर देते। जा रहे बाबा तू, अब बीड़ी उड़ी मैंने लेने मत आना, कुबड़ी दे दे बेटा। रात को सपने में आते हैं, बेटा मेरी जैकेट वहाँ बड़ी ठंड है, कंबल लंबल भी तो पहुँचा दो कब्रस्थान, ऐसा करके उनका इंतजाम करते हैं। हमको मालूम है उनको शांति नहीं है, वी नो इट, लिख जरूर दिया शांति, परंतु है नहीं, अच्छे से समझ लेना। इसलिए हमको शांति मृत्यु के बाद स्वर्गीय होने का अधिकार किस शर्त पर मिलेगा, ये हमको जीते जी अपना बंदोबस्त अपने से करके जाना का, दूसरों के मत्थे छोड़ दिया, ए बेटा 3रे दिन में 3 किलो तीन बोरा भात खिला देना तो मेरा पीपल के पेड़ से ट्रांसफ़र स्वर्ग में हो जाएगा, और ऊपर वाले ने ये 1 बोरे की रिश्वत ग्रांट नहीं किया तो हम तो हमेशा पीपल के ही ना पेड़ में रहेंगे।
इसलिए बेटा बिटिया के माथे में ट्रांसफर ऑर्डर मत देना, अपने हाथ में लेके जाना। इसलिए बाइबिल कहती है स्वर्ग का राज्य आ गया है, अर्थात मरने के पहले तुमको पूरा कंफर्म करके ले जाना है टिकट। वेटिंग रही और ई रही तो, ई टिकट वेटिंग रही तो, और समय में यदि कंफर्म नहीं हुई तो विदाउट टिकट रहो अब करोड़ों साल तक, पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में, इमली के पेड़ में। हम तो आएंगे हर हफ्ते विजिट करने, जूता दे दो, कंबल दे दो, इसलिए हम उनका इंतजाम करते हैं। याद रखिएगा, आपकी आस्था से इंसान को मरने के बाद स्वर्गीय जीवन नहीं मिलता, उसकी एक शर्त है, और उसकी शर्त ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारे प्रभु दूसरे आगमन में, आपको मालूम है ये तीसरे नंबर वाला जो सत्य है वो सत्य ये है, प्रभु यीशु का पहला आगमन हमको इनाम देने के लिए आया कि तुम्हें वो सलाह दे कि अनंत जीवन में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। नंबर टू, जब दूसरा आगमन होगा तो वह हमको प्रतिफल देने आएगा, उन लोगों को जो मृत्यु के बाद वाले जीवन की चिंता करके, उसकी शर्त मान करके, उसके हिसाब से जीवन चलाना शुरू किए, तो उनको दूसरे साल में उस जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद वाले जीवन के बाद में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए पहला आगमन यीशु का इनाम देने के लिए आया, दूसरा आगमन हमें प्रतिफल देने के लिए होगा। और ये प्रतिफल क्या है मालूम आपको? यीशु का दूसरा आगमन क्यों होगा? यीशु का दूसरा आगमन इसलिए होगा जिससे कि वह हमारे मरे हुए शरीर को जिंदा कर दे और जिंदे शरीर को अमर शरीर में बदल डाले, जिससे कि हमारी आत्मा जो सुखलोक में चली गई है वह हमारा तन पहने, महिमा की देह, अर्थात हम मुर्दों में से जिंदा हो जाएं, और जो मृत्यु के समय आत्मा और प्राण निकल गया है वह फिर से महिमा की देह में प्रवेश हो जाए। जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए और महिमा की देह पहनकर के आकाश गंगा के ऊपर चले गए, उसी तरीके से अपने इतिहास के समान वह हमारी जिंदगी में भी एक नया इतिहास लिखना चाहता है कि वो दोबारा आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा और जिंदे लोगों को महिमा की देह में बदल देगा कि हम उसके समान उसके साथ कहां उठाए जाएं, स्वर्ग में उठाए जाएं। यह है स्वर्ग का राज्य। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला शरीर एक न एक दिन मट्टी को प्यारा होना तय है, और इसी बीच यीशु आ गया तो हमारे लिए एक और आशा है कि इस मरने वाले और बूढ़े होने वाले शरीर को प्रभु कभी नहीं बुढ़ाने वाले, कभी बीमार नहीं होने वाले, कभी थकने न थकने वाले शरीर में बदल देगा। ऐसी वाली प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है, और ये घटना उस समय घटेगी जब यीशु का दोबारा आगमन होगा। वह केवल तुम्हारी चंगाई और छुटकारे तक सीमित नहीं है, वरन वह तुम्हें अनंत जीवन ले जाने के लिए इस चोले को महिमा के चोले में बदल देगा। इसीलिए पहले आगमन के समय महिमा का चोला पहनने की शर्त क्या है, वही इनाम देने आया है। हमारी बहुत सटीक भाषा को सुन लीजिएगा आप, वह केवल चंगाई देने नहीं आया, वह केवल छुटकारा देने नहीं आया, वह केवल भूत निकालने नहीं आया, वह केवल तुम्हारी नौकरी लगाने नहीं आया, परंतु इस भौतिक चमत्कार के पीछे वह हमारा ध्यान परमेश्वर के उस आत्मिक योजना की ओर केंद्रित करना उसका उद्देश्य है। एक लंगड़ा था, लंगड़ के नरक जा रहा था 6 घंटे में। कितने घंटे में? कहाँ जा रहा था? इतने में भाई आमोद सिंह जी आए और उन्होंने प्रार्थना किए, बेचारा लंगड़ा चंगा हो गया तो जल्दी जल्दी चलने लगा, तो जो 6 घंटे में पहुंचने वाला था वो 4 में ही पहुंच गया। कहाँ? नहीं समझे, फिर से सुनो। एक लंगड़ा लंगड़ के 6 घंटे में कहाँ पहुंच रहा था? नरक पहुंच रहा था, और रस्ते में चंगाई मीटिंग में चला गया बेचारा,
और वो चंगा हो गया तो अब धीरे धीरे चलने वाला जल्दी जल्दी चलने लगा, तो जो 6 घंटे में पहुंचने वाला था अब 4 में पहुंच गया। कहाँ? क्या अरे वारे पावर मिनिस्ट्री, तुमने तो 6 वाले को 4 में ही पहुंचा दिए। आज यही ना हो रहा है, जो बीमार होके नरक जाने वाला था आजकल चंगा होके जाने वाला है। बीमार थे तो कम पाप होता था, आजकल चंगे हो गए हैं तो ज्यादा ही होने लगा है। क्या फायदा हुआ? इसीलिए प्रभु ये नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हें छुटकारा नहीं दूंगा, प्रभु ये नहीं बोल रहे कि तुम चंगाई मत पाओ, प्रभु ये नहीं बोल रहे कि तुमको ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा, परंतु इन सब बातों के पीछे जो प्रभु का ख्याल है कि वह तुमको उस जीवन की ओर एक अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है जो अनंतकालिक है। और जिस दिन एक व्यक्ति अनंतकालिक जीवन की शर्तें इस धरती पर जीते जी पूरा कर लेगा, उस दिन से बीमारियां तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। हालेलुया। सन 1970 में हमने सबसे पहला परमेश्वर के वचन का संदेश दिया था। 2-4 छोड़ के धरती में आप लोग पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय से हम बाइबिल रगड़ रहे माथे में, ठीक है। सन 1980 में हमने पवित्र आत्मा पाई, सन 1990 में हमने 3 सितारे की नौकरी छोड़ी। इन सारे अब अंदाज लगा सकते हो कि हमारी उम्र कितनी होगी, परंतु मेरे को मालूम है 20, 22, 25 के दौरान होना चाहिएगा। नहीं समझे अंकल जी आपकी उम्र कितनी है, तो मैं बोलता हूँ 20-22 होना चाहिए भैया, आजकल मैंने डेट ऑफ बर्थ भूल गया हूँ। अब तुम बोलो 60 साल के तो बचे 5, तो डिप्रेशन नहीं होगा क्या? इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भूल गया हूँ। हम कहते हम 65वां जन्मदिन मना रहे हैं, दादा 2 ही साल बचे हैं और तुम लड्डू बांट रहे हो। और यदि मैं कहूं 25 साल का बर्थडे है तो गुंजाइश से 50 और जी सकते हैं। इसलिए सब लोग जो ना पुराने हो गए हैं, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भूल जाओ, ठीक है, और 20-22-25 बोलना शुरू करो, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु न होते हैं। देखो भैया, जिसको बुढ़ा समझना है वो बुढ़ा होवे, हमारी तो जवानी अभी शुरू हो रही है। मतलब मरने को भी 40-50 साल है, जब तक प्रभु यीशु मसीह 3-4 बार आके चला जाएगा। क्या करेंगे मर के? हम तो यीशु के साथ जिंदा उठाया जाने का दर्शन देखते हैं, चाहे 50 साल के बाद में आवे, है कि नहीं? अरे हम जिंदा रहेंगे तो ऐसे ही भेद धरती में ना बताएंगे। हमने कहा प्रभु यदि तूने मेरे को जल्दी निपटाया ना तो तेरी धंधा घाटे में जाएगा, वायदा है अंतिम सांस तक तेरी सेवा करूंगा। तो प्रभु कहता सदा हुआ आदमी ही जल्दी निपटाने से मेरे कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको 100 साल तक जिंदा कर रखो, है ना, क्योंकि मुझे मालूम हो गया परमेश्वर की मेरे बिना अटकी है, इसलिए उसकी मजबूरी है, मेरे को बुढ़ा नहीं होने देता वो, नहीं तो उसी का धंधा घाटे में जाएगा। निपटा ना, मैं तो कल जाऊंगा तो फिर सुसमाचार कौन सुनाएगा? और बाकी तो सब A4 Apple B4 Boy में खड़े हैं भाई, डॉक्टरेट तो हम ही ने ना पाई है, और डॉक्टर को निपटा देगा तो कंपाउंडर ऑपरेशन करेगा क्या? पॉजिटिव सोचो ना अपने बारे में। हालेलुया। इसलिए मैं अपने परमेश्वर को देखता हूँ उसके विचार और उसके मिजाज से, और जब जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, मुझे अनंत जीवन के बारे में सच्चाई मालूम है, मुझको प्रभु की ज़रूरत है, प्रभु को मेरी ज़रूरत है, हम दोनों ने एग्रीमेंट किए हैं। मैंने एक ही चीज़ का अंतिम सांस तक प्रभु मरूँगा तो स्टेज में ही मरूँगा, देख एक्सीडेंट से नहीं मारना, और हार्ट अटैक की तो बात ही नहीं करना, हाँ लिपट लूँगा पैर के नीचे, ठीक है कि नहीं? तो प्रभु भी कहता बड़ा जिद्दी है, याकूब की औलाद है ये, लड़ लड़ के बाप लेता है आशीष, इसलिए वो कहता इब्राहिम और इसहाक और याकूब, याकूब मतलब लड़ने वाला। कलीसिया जिस दिन लड़ने वाली हो जाएगी तो उस दिन खुदा भी परेशान हो जाएगा तुमसे। आखिरकार वो स्वर्गदूत कहने लगा प्रभु किस आदमी के पास भेज दिया, ये तो पैर ही नहीं छोड़ता मेरा, सूरज उगने वाला है। तो बोले हारेगा तू तो, ठीक है क्या करूँ? बोले
धोखेबाज के साथ धोखा कर उसकी नस जांग की नस जावा दबा तब जा कर के ना वो छोड़ेगा। याकूब के समान लड़ने वाले लोग मिल गए तो खुदा याकूब का नाम इज़राइल में बदल देगा। तो लड़ना पड़ेगा ना, चंगाई के लिए नहीं, उसके साथ आशीष लेने के लिए लड़िएगा, उसकी उसकी अनंत जीवन की बातें लेने के लिए लड़िएगा। और जब ऐसा हो गया तो हमारा परमेश्वर कहेगा इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये ऐसे ऐसा टांग पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं है, इसको जो मांग रहा है वो भी दे दो और जो नहीं मांग रहा है वो भी दे दो, जिससे कि कल से टेंशन देना बंद कर दे ये। हाँ, इस चक्कर में मैंने प्रभु जी की ना हो टांग पकड़ना सीख लिया हूँ, इसलिए बहुत परेशान रहता है मेरे से। समझ में आगे बात, इसलिए मांगने से पहले ही दे देता है। हमारे बहुत से डॉक्टर लोग हैं, हर साल हमको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, उनके पास ढेर सारी मशीन है, ब्लड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और सब टेस्ट करते हैं साहब। अभी बीते अब 1 महीने पहले हॉस्पिटल में ले जाके 29 टेस्ट किए, और सारे टेस्ट पहले जीरो रहता है, फिर येलो रहता है, फिर रेड रहता है, 29 टेस्ट में सारे कांटे ग्रीन में थे, येलो में आए ही नहीं, तो रेड में कैसे जाते। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं सर कौन सी चक्की का आटा खाते हो, मैं बोला ऊपर से आता है मेरा आटा। हालेलुया। बोले ना तुमको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना घुटना दुखता, ना सिर दुखता, ना बुखार दुखता, ना किडनी में कोई प्रॉब्लम, ना हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं बोला प्रॉब्लम हो गई कहाँ से, जब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला अंदर रहता तो प्रॉब्लम रह के करेगा क्या। ना घुटना दुखता है, मेरी इकलौती पत्नी है, उससे जाके पूछो आंटी जी तुमने कभी अंकल के सिर में माथे में विक्स बाम लगाए थे क्या, तो वो कहेंगी अरे उनका सिर ही नहीं दुखता, विक्स बाम लगा के कौन माथा काला करेगा, मेरे को तो सौभाग्य नहीं मिला उनका माथा दबाने के लिए। अरे दर्द होगा तभी ना दबाइएगा, आपको क्या लगता है। जिस दिन तुम परमेश्वर के प्लान में खड़े हो जाइए, उस दिन जितने शैतान हमको ढकेलने के लिए प्रभु के पास पहुंचाए गए हैं ना, वे सब छुट्टी ले लेंगे। हे प्रभु ये तो पहले ही आ गया तेरे पास में, मेरी जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हैं बात। अपनी उंगली अपना हाथ डालोगे चॉकलेट के बर्नी में तो चार ही निकलेंगी, यदि अपने खुदा से निकलवाए तो माला माल हो जाएंगे। इसलिए मास्टर चाबी रखें, ठीक है ना, हम उसको प्रसन्न करने का काम करें, ठीक है कि नहीं। ओके, अब कैसे करेंगे, चलो हम एक कहानी बताते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, कलीसिया लड़की है और यीशु मसीह लड़का है, हम दुल्हन हैं और वो दुल्हा है, ठीक है। एक 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 घर में एक लड़का रहता था, ठीक है, और कलीसिया प्रभु के पास जाती है और उससे अपनी ज़रूरत की बात मांगती है। हे पिता मैं कमज़ोर लाचार मरा कुत्ता सड़ा बैल, मैं बड़ा निकम्बा लाचार तेरे पास आया। भिखारी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मिले भाई जी दया करो, टूटी चप्पल पुरानी जूते रूठा रूखा सूखा ये दे दो भाई जी, रुपया 10 रुपया 5 रुपया दे दो दे दो, भिखारी हूँ 3 दिन से खाना नहीं खाया, ऐसा ऐसा करते ना हम। तो भिखारी लोग दरवाजे में घंटी बजाएं तो अपन सोफे में बिठालते क्या, वहीं की वहीं हकाल देते, हाँ चल ले और सुन रोज रोज नहीं आना, इतने जोर से चिल्लाता नींद डिस्टर्ब कर दिया, उसको कटोरी भर चावल देके भगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये एक प्रकार की कलीसिया है जो हमसे जो प्रभु से रोटी कपड़ा मकान की गुहार लगाती, इसको भिखारी कलीसिया कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक और कलीसिया है, ठीक है, एक लड़की और आई, उसने घंटी बजाई ट्रिंग ट्रिंग, तो अंदर से स्वामी जी निकले, बोले
बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं। तो क्यों घंटी बजाया? कुछ नहीं। तो काय को दिमाग खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक ठिकाने हैं। तो तूने घंटी बजा के मेरे को डिस्टर्ब क्यों किया? बोले बात ऐसी थी कि आपको देखने का मन हो रहा था। कुछ वक्त कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? आपको देखना चाहती हूँ। अच्छा, ले देख ले। 5 मिनट के बाद में बोला देख लिया? देख लिया। अब जाइए ना। नहीं, मन नहीं भरा है। कुछ चाहिए क्या? नहीं। क्या? देखना चाहती हूँ। हाँ तो देखना, आधे घंटे से तो देख रही, दिमाग खराब करती, पागल है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप मेरे को आपके गाल में करके लव यू करने के लिए मौका दोगे क्या? तो उसकी आंखें चमगादड़ समान पेनी हो जाएंगी। क्या बोली? लव यू करेगी? सच बोल रही क्या? तब तो लड़के के दिल में तूफान आ जाएगा। सुनो जरा अच्छे से, ठीक है? आप मेरे को चुम्मी करने के लिए दोगे क्या? तो बोलेगा ऐसा क्या? तो फिर वो अंदर आ, अंदर आ, अंदर बुलाएगा, बैठो बैठो बैठो। फैन ऑन करेगा, एसी चलाएगा, पर्दा इधर करेगा, पर्दा उधर का, प्राइवेट बिजनेस है ना, सब बंद कर देगा। और वो नौकरों को बोला ए पीछे से दरवाजा नहीं खोलना, सीक्रेट मीटिंग चल रही है यहाँ, ठीक है? नौकर चाकर घुसने का नहीं। और सुनो जरा अच्छा चाय नाश्ता बनाओ और मलाई मार के चाय बनाना, और दूध नहीं है तो जाओ वो क्या बोलते हैं नल्लस, और नहीं क्या बोलते हैं, अंधेरी से लेके आना, जिससे कि 2-3 घंटा लग जावे, ठीक है ना? फिर वो सामने बैठ जाएगा, फिर ऐसे बैठ जाएगा, और फिर एक दूसरे को देखेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे जैसे बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं। यही होता है ना दुनिया में। तो सुबह कब हुई थी, शाम कब होगी, बोल के दोनों को पता नहीं चलेगा, और घड़ी के कांटे तो बंद ही हो जाएंगे, दिल की धड़कन शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा लगता है ना? अब आप ही बताइए, हम प्रभु के दरबार में भिखारियों की तरह रोटी कपड़ा मकान पाने की मनसा से जाएं तो प्रभु हमको गेट में भी नहीं घुसने देगा। वह खुद ही आके कहेगा ले चंगाई, ले छुटकारा, ले आशीर्वाद, जा भाग जा, तेरा काम खत्म हो गया, गंदा पैर, घुसने का नहीं, जा। और एक और कलीसिया है जो प्रभु से कुछ नहीं मांगती, हे प्रभु ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। हाँ तो देख। अरे चेहरा अकेला नहीं देखना चाहती हूँ, लव यू भी करना चाहती हूँ। लव यू करेगी? रोड के सामने नहीं करते बेटा, नहीं बेटा नहीं बोलेगी, प्रिया, ठीक है? अंदर आओ। अब आप बताओ, हम गेट से भगाए जाने वाली लड़की हैं या ड्राइंग रूम में उसके सामने खड़े होकर के, खड़े होके नहीं, बैठ के पंखे में उस प्रभु के साथ बिना जरूरत मांगे उसके साथ प्रेम में एक होने वाली कलीसिया है। समझ रहे हैं बात? यदि हम केवल आवश्यकताओं के लिए पुकारें तो प्रभु गेट से भगा देगा, और यदि हम उसको लव यू करना शुरू कर दें तो वह हमको अंदर बुला के अपने सोफे सेट में बिठा लेगा और कहेगा हम तुम्हें देखेंगे, तुम हमें देखो। हमारे हृदय में उठा तूफान, तुम्हारे हृदय में उठा तूफान, दोनों के अंदर जो तार जुड़ेगा। आप में से कौन है जो प्रभु से कोई चीज़ नहीं लेने के मन से बिना कारण प्रभु को ताकने और झांकने और उसकी खूबसूरती देखने के लिए 4 घंटे 6 घंटे दरवाजा बंद करके अकेले में बैठा रहता है? हे पिता, तेरा धन्यवाद हो, मैं तुझको लाखों लाख धन्यवाद देता। एक ही बार में लाख लगा दिए। प्रभु कहते धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 3, धन्यवाद 4, कम से कम 5-7 बार बोल दे यार, तू तो एक ही बार में लाख लगा दिया। इतना शॉर्टकट प्रार्थना में मजा नहीं ना आता है?
मैं तेरे पास आया, हाँ आ जा, क्या बात है, बोलिए जल्दी बोलिएगा, तुझे तुझको मालूम है, मांगने से पहले तेरे को मालूम है, हाँ हाँ ठीक है, तू बोल तो सही, बक बक कर रहा है आधे घंटे से, दिमाग खराब करता है, हे प्रभु ये दे दे वो दे दे, 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 180 प्रार्थना के बाद हम कहते हैं पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना सुन ले, प्रभु कहते हैं बाप रे बाप, 180 छोटी है तो बड़ी कितनी होगी। ये भिखारी को गेट से बाहर निकालो, वो देगा जरूर तुमको, परंतु आज हम कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेके नहीं आए, क्या करने आए हैं, जब हम प्रभु को चुम्बन देने आएंगे तो प्रभु कहे हा जल्दी आ प्राइवेट कमरे में, जल्दी आ, ए पर्दा बंद करो, पर्दा बंद करो, ओ हाय, फिर हमारा प्रभु हमको कहेगा इसको कुछ नहीं चाहिए, मेरी मोहब्बत चाहिए, मैं इसको अपने कमरे में बुलाऊंगा, अपने कमरे में बुलाऊंगा उसको, और किसी स्वर्गदूत को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। उसे ही तो दुल्हन कहते हैं ना, तो हम कैसी वाली दुल्हन हैं, भिखारी वाली दुल्हन है या उसको लव यू करने वाली दुल्हन है, तो वही करना है हमको। हालेलुया, जिस दिन आप उसको लव यू करने लगिएगा उस दिन प्रभु कहेगा पानी पिएगी क्या, वो खुद ही पूछेगा, चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, अमका लाऊं, ढमका लाऊं, अब तूफान उठा है तो वो तो सब देने तैयार है ना, एसी लगाएगा वो, एक्सक्यूज मी प्लीज, वो खुद ही बटन दाबेगा, नौकरों को नहीं घुसने देगा यार, ए जिब्राइल मिकाइल घुसने का ना है, दुल्हन ने मेरी प्रेमिका है, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं, चल बाहर चल बाहर चल बाहर चलो, फटे में लात मारने चले आए, एक भी स्वर्गदूत को घुसने नहीं देगा, जब दुल्हा और दुल्हन के बीच में जिगी 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 शुरू हो जाता है तो कोई हस्तक्षेप नहीं होता, याद रखिएगा, हमें वहीं पहुँचना है, तहाँ फिर हमारे प्रभु हमको आलिंगन करते हैं आत्मिक रीति से, हमारी जिंदगी में जो जो आत्मिक चीज़ें हैं वो दे दे करके हमारे प्यार के चक्कर में वो इतना कुछ नहीं भी मांगे तो दे देने लगते हैं। पानी पीजिएगा, नाश्ता लाइएगा, चूड़ा लाइएगा, मिठाई लाइएगा, ये लाइएगा वो, अरे बाबा अरे 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 मेरे लवर पेट भर गया है, अरे खा, जिंदगी में क्या याद रखेगी किसके साथ पाला पड़ा है आज, वो 8-8 10-10 रसगुल्ले ला रहा है, खुदा अपना भंडार खोल देगा तुम्हारे लिए, प्रेम देगा, आनंद देगा, मेल देगा, धीरज देगा, कृपा देगा, भलाई देगा, विश्वास देगा, नम्रता देगा, संयम देगा, ये सब कुछ पाके जितने अंदर के भूत हैं वो क्या बोलेंगे, बाबा रे बाबा, पहले तो मोनलाइट चलता था, आजकल हेलोजन जल गया है, चलो पतली गली से ढूंढो, भागो, ब्लड प्रेशर कहेगा भाग, और उसकी पत्नी शुगर कहेगी मैं इधर से भागती हूँ, और ब्लड प्रेशर बोलता इधर से भागूंगा, बीबी का टेंशन उधर से भागेगा, मियाँ का टेंशन इधर से भागेगा, घर के अंदर चारों तरफ बल्ब ही बल्ब रहेंगे, परिवार मानो स्वर्ग बन गया, प्रभु तुम्हारे घर में रहेंगे, जिस दिन प्रभु तुम्हारे घर में रहने लगे ना तो ये बीमारी का बिल नहीं बनता है, हालेलुया, बीमारी का बिल नहीं बनता है, हॉस्पिटल का बिल ही नहीं बनता, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, शांति रहेगी तो आपसे आप आंख बंद करते बराबर ऐसी डिप स्लीप होगी, आज आप में से कितने लोगों को रात को चौक चौक के नींद आती है, हाथ पैर पटकते हैं धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, पूरा म्यूजिक बजता है पलंग से, क्योंकि बड़े दांत वाला दिखता है ये करके। मैं बपतिस्मा लिए हुए लोगों को बोलता हूं, उनको चैन से नींद नहीं आती, देयर इज नो एनी डिप स्लीप इन द पीपल ऑफ गॉड, उनको नींद नहीं है आज, कुत्ते की नींद जरा सा चूहा खटक करके काए तो जग जाते हैं, कितने लोगों को आज ठीक से नींद नहीं आती, हाथ मत उठाना, बात की बात है, क्यों नींद नहीं आ रही,
उठते बराबर दिमाग खराब, कहाँ गई रे काला दिमाग खराब कर दी, 7 बज गए चाय नहीं लाई, आ तेरी चमड़ी छीलती हूँ। सुबह ये हाल है तो शाम कैसी आएगी तुम्हें बताइए आप, हैं? नौकरानी का चमड़ा छील रहे हैं 150 रुपये देते हैं, कभी तक आधे घंटे से कपड़ा धो रही है, बिल्कुल फुल्लन देवी के समान चीखते चिल्लाती अपने नौकरानी के ऊपर में। What do you think? Do you have the peace in your heart? कहाँ है जिंदगी? अरे बाप रे कमर दुख रहा, नींद, अब आधे घंटे से बिस्तर में बैठे हैं, उठने का मन ही नहीं हो रहा है, क्यों क्यों तंदुरुस्त नहीं हो जबकि 12 घंटे सोए हो आपने गोली खा के। जिस दिन प्रभु तुम्हारे घर में रहेंगे 4 बजे मुर्गे के बांग देने से पहले बिस्तर में घुटना होगा और कहेंगे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, 4 घंटे की नींद में तुमको ऐसी नींद आएगी जैसे तुम 6 दिन से सो रहे हो, बिल्कुल 101% 4 घंटे की नींद में टोटल फ्रेश होकर के निकलोगे तुम। हाँ, न पेट दुखेगा, फिर खड्डा प्लास्टिक एल्यूमिनियम लोहा सब खा लो बिना डकार के, हाजमोला बिना पचाएंगे हम तुमको, 2 फुलके नहीं पचते, हाजमोला टिकाते हो क्यों मालूम है आपको? जिस दिन मेरा प्रभु तुम्हें देखेगा कि तुम मेरे डिवाइन प्लान के अंतर्गत आ गए हो, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको प्रभु कहेगा तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये मेरे पास आ गया है, तुम जाओ छुट्टी, वॉलंटरी रिटायरमेंट। मेरे प्रियो, यही कारण है मैं अपनी जिंदगी में थक, कल 11 बजे तक हम मीटिंग ले रहे थे, 10:30-11 बज गए खाना खा के, होटल में आए 12 बज गए, गाड़ी कार से हम 40-50-60 किलोमीटर आए 2 बज गए, 3:30 बजे उठे, 1:30 बजे 1:30 हम थोड़ा सा 1 आवर हमने स्लीप लिया और उसके 3:30 को हम उठ गए, 3:30 को उठे, मुँह हाथ धोए, सब फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद में, जबकि हमने शाम के 7 बजे नहाए थे, है ना, और उसके बाद में फिर एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में जाकर के हम सीधे ट्रेन और सुबह 7 बजे यहाँ उतरे, फिर वहाँ से 1.5 घंटे में यहाँ आए, यहाँ आते बराबर हमने नहाना पसंद किया और नहाने के बाद में एक चर्च ऑलरेडी हमारा हो गया, ये दूसरा चर्च है, 2 घंटे की नींद में कल शाम के 6 बजे से हम खड़े हैं, कल शाम के 6 बजे से खड़े हैं, 2 घंटे की नींद हमने ली है और जो बग 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 हम कर रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ। इससे पहले कि यहां हम आते हमने ऑनलाइन अपनी संपूर्ण कलीसिया को अमेरिका, कनाडा, दोहा, कतार, ऑस्ट्रेलिया में कलीसियाओं में संदेश देके हम यहाँ आए हैं, भारत की कितने ढेर सारी जगहों में, कहीं 100, कहीं 1000, कहीं 500, उन सब लोगों को संदेश दे करके हम यहाँ पर 45 मिनट का मैसेज दे करके यहाँ आकर के खड़े हुए हैं। जो यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, जवान तो थक जाएंगे परंतु यहोवा की वाट जोहने वाला न थकेगा न परेशान होगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, यहोवा की ओर से। हम हो यहोवा के हो जाएं तब ना, हम तो गेट से हकाले जाने वाली लिस्ट में हैं, ड्राइंग रूम में आकर के उसके साथ ना बिना रिक्वायरमेंट के, बिना किसी आवश्यकता के लिए, हे प्रभु आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आप कहाँ हो मुझे अपना चेहरा दिखाओ, आपका प्रेम दिखाओ, धीरज दिखाओ, कृपा दिखाओ, ऐसा करके 4-6 घंटा बैठ करके निकलो, फिर देखना पूरा नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। खाने की टेबल में कहीं एलिया बाबा दिखेंगे तुमको? उसके लिए 6 घंटे प्रार्थना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक हम अपने आप को प्यार करने के चक्कर में प्रभु की भक्ति करते हैं। वी लव अवर सेल्फ, दैट्स व्हाई वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। जरा सुनो, हम अपने आप को प्यार करते हैं इसलिए प्रभु की भक्ति करते हैं। जिस दिन हम प्रभु को प्यार करने के लिए भक्ति करने लगें तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिगिन टू लव हिम, उसको प्यार करना शुरू कर दें।
लॉर्ड आई लव यू, मुझे कुछ तू देवे या ना देवे मुझको कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो तेरा चेहरा चाहिए, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए, और मैं भी कुछ नहीं दे सकता, चुम्मी ही दे सकता हूँ। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जिस दिन तुम प्रभु को प्यार करने का वरदान मांग लोगे, उस दिन प्रभु जब तुमको प्यार करने लगेगा तो तुमको बिना मांगे वो भी देने लगेगा जो तुमने कभी अपने जीवन में नहीं मांगा था। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अभी कान तो ऐसे भी पकड़ना है और ऐसे भी पकड़ना है, पर पकड़ना तो कान ही है, पर हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर के प्रभु के पास जाने के बजाय हम उसको प्यार करने के लिए प्रभु के पास गए तो वह हमारी आवश्यकताओं को आपसे आप पूरा कर देगा। वाह वाह वाह, कितने हैं जिनको नींद नहीं आती है, कितने हैं दिमाग खराब, कितने हैं जिनको रात को सपने आते हैं, बुरे बुरे डर जाते हैं और नींद में चिल्ला उठते हैं अगे गे 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 गे। कितने लोगों को जरा दिखाओ तो, कितने लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं, हाथ उठाए, एक दो तीन, इधर दीदी लोग, अच्छा भाई लोगों को आते हैं, तुमको आते नहीं, इतना तो सफेद झूठ मत बोला करे, जबकि डरते तो तुम ज्यादा हो अंधेरे में। चलिएगा, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हमको अगले क्लास में भी जाना है, ठीक है कि नहीं? चंगाई चकेला नहीं, उसको प्यार करना है, गेट अकेले में मत रहो उसको, है ना, बैठक रूम में जा कर के 15 मिनट उसका चेहरा मत देखो, दो दो घंटा देखना, तीन तीन घंटा देखना, समय मांगो, सब काम धाम निपटा के 11 बजे से 2 बजे तक खूब दुआ करो, फिर सो जाना, सुबह तंदुरुस्त दिखोगे, है ना? ऐसा वाला समय हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके प्रभु कहेंगे तेरे साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है, दिल ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तू मांगता नहीं मेरे से, मेरे से लेता नहीं, तू देता ही देता है। क्या देता है? प्रेजिंग देता है, लव यू देता है, अच्छा लगता है। बहुत से लोग मेरे से लेते ही लेते हैं, धन्यवाद देते ही नहीं, और देते भी हैं तो लाख लाख एक ही बार में लाख लगा देते हैं। राइट? सो पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे, हमारा टाइम खत्म हुआ, हम तो 6 बजे तक खड़े खड़े प्रचार करते रहे, दरिया से 2 गिलास पानी निकाले तो क्या लेवल कम हो जाता है? हमने तो संदेश शुरू नहीं किया, अंत का समय आ गया, हमारा प्रॉब्लम नहीं ना है, ये घड़ी का है, ठीक है। हालेलुया। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सब के लिए एक साथ एक कहानी बता के ख़त्म करते। अभी हमको छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, तो छत्तीसगढ़ में हमारे मसीह भाई लोग आईजी साहब के पास चले गए, मीटिंग तो होने देना पर ये वक्ता को चढ़ने मत देना, बोले पुलिस फोर्स लग गई, पूरी बस भर के पुलिस, ये आदमी आए तो इसको यहाँ से भगाओ। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, 3,000 लोग इकट्ठे हो गए, आना 10-20 हज़ार लोगों को था, परंतु पुलिस ने सब डिस्टर्ब कर दी और उन्होंने कहा ये बालाघाट से आया हुआ दाढ़ी वाले आदमी को स्टेज में नहीं चढ़ने देना, पता नहीं कौन सी एलर्जी, एक आदमी से पूरी सरकार दहल गई। अपना भी वजन कितना है तुम्हें बताइए, आप पूरे दमकल लगे हुए हैं, ये पादरी के लिए दमकल का क्या काम है कि नहीं? हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने हम जा रहे हैं, हमने मोबाइल उठाया और उनको बोला सुनो अपना मोबाइल चालू करो, एक कंप्यूटर में लोड करो, उसको प्रोजेक्टर से जोड़ो और सामने पर्दा लगा दो, हम नहीं हैं ना, तुम हमको पर्दे में देखना, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ जितने स्वर्गदूत हैं 2 आग वाले, फिर 2 पंखे वाले, 4, फिर 3 पंखे वाले, बिना पंखे के 3 इधर 3 इधर, 10, 6 पंखे वाले पीछे 2, 12 स्वर्गदूत और पीछे में एलिया और मूसा, ऐसे करके 14 लोगों की टीम, और उधर से बड़ी भारी सेना, इतने दूत चलते हैं हमारे साथ, जब से बिल्डिंग में आए हैं अग्नि वाले स्वर्गदूत चारों तरफ चक्कर मार रहे, तुमको क्या पता? हम स्टेज में गए और कहा हे प्रभु मेरे साथ जितनी सेना तूने दिया है मैं स्टेज में छोड़ जा रहा, अकेला जा रहा, जब पर्दे में बात करूंगा तो ये सारे स्वर्गदूत एक्टिवेट होना चाहिए। प्रभु कहते हैं सर बिल्कुल ऐसा ही होगा।
है ना, हम चले गए, पर्दे में आवाज आ रही है, पर्दे में हमारा चेहरा आ रहा है, उनने एम्पलीफायर में लगा दिए और लगी हमारी आवाज एक घंटे, उसके बाद में डेढ़ घंटे मैसेज के बीच में सब ऐसे 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 करने लगे, हम देख ही रहे। हमने कहा हमारे अकेले को फोकस मत करो, भीड़ को भी दूसरे मोबाइल से दिखाओ क्या चल रहा है। और रात को सर करीबन 20-25 स्त्री पुरुष वो पर्दे के अंदर आवाज सुनकर के जितने भूत थे सब ड्रामा करने लगे, ऐसा ऐसा करने लगे, कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई लुढ़क रहा है। हमने कहे प्रभु हम तो यहां हैं पर आपके दूत वहां हैं। इतना चीख पुकार हो रहा है, मैं क्या बताऊं, जैसे सिर से जुआ भागती है ना, ऐसी भीड़ से औरतें निकल रही थी पागली, जिन जिनके अंदर भूत थे। दूसरे दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन में तेल के लिए प्रार्थना किए, सब लगाओ, कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई चलता है, हम घर में बैठे हैं और भूत यहाँ नाच रहे हैं। हम कह गजब हो गया प्रभु। ये बोले प्रभु जी ने कहा तू तो चला गया पर टेंशन तो मेरा ना है, तू पर्दे में बोल, बाकी मैं निपटाऊंगा। और तीसरे दिन अभिषेक की प्रार्थना, और जब अभिषेक की प्रार्थना गिरने लगी तो कोई पवित्र आत्मा पा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा। तीनों दिन घर में हमने स्टूडियो में प्रार्थना करे, 250 किलोमीटर दूर लोग चंगे हुए। हमने कहा गुड आइडिया, पेट्रोल भी बचा, पेट्रोल भी बचा, समय भी बचा। मेरा परमेश्वर इतना महान है, वह हाथ रखने को नहीं बोलता, तुमने बहुत रख लिए अब मेरे को रखने दो बोले, तुमने बहुत मिनिस्ट्री कर ली अब मेरे को करने दो। जब प्रभु मिनिस्ट्री करते हैं तो अपन तमाशा देखते हैं, है ना, और जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो प्रभु तमाशा देखता है। अब तुम देखो या खुदा को देखने दो, बोले तुमने बहुत कर लिए अब मुझे करने दो। और जब प्रभु सेवा करते हैं ना तो छक्के छोड़ा देते हैं सामने वाले का। हालेलुया, वही आज भी होने वाला है। हालेलुया, जितने भूत रात को सपने देते हैं, दादा दादी नाना नानी आजा आजी के साथ पूरी टीम को भागना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, जितनी बीमारी है सबको जाना पड़ेगा। नहीं गए तो हे प्रभु तेरी इज्जत, अपनी क्या है, अपनी तो है ही नहीं, जिसकी रहती है उसकी जाती है, जिसकी है ही नहीं उसकी जाएगी कहाँ, तू जानो तेरा काम जाने, दुनिया तेरी है, नहीं चंगा किया तो तेरा ही नाम खराब होगा, अपन तो पहले बपतिस्मा में मर गए हैं। हालेलुया, हे प्रभु आप ही करो, हम तो तमाशा देखेंगे, आप चमत्कार करो, हम वीडियो खींचेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है।